हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। लेट ए एंड बी थ्री ग्रोसरी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 3। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 इनटू ए बी इक्वल टू। ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। यहां पर मैं चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से मैं क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। गिवन हमें क्या है, गिवन दैट जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ए भी हमारी 3x3 की मैट्रिक्स, बी भी हमारी 3x3 की मैट्रिक्स, तो ए इंटू बी भी हमारी कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 3x3 की मैट्रिक्स होगी। नाउ सिंस वी नो दैट जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू में ए, ये हमारा क्या होता है, के टू दी पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज करेंगे। सो नाउ वैल्यू हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू में ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा। ये क्यों है ना, बिकॉज ए का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर 3 है, तो ए इंटू बी का ऑर्डर में कितना होगा, 3 होगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3। पर फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 के पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी, 2 के पावर 3 कितना जाएगा, 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना है, 4। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है, 3। सो कितना जाएगा हमारा, 4 3 12, 8 96। फाइनल आंसर हमारा कितना है, 96। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।